हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी एडुकेयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडेम्पोटेंट लॉज, जो कि लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉज। सपोज एक सेट है ए, ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट लॉज के अकॉर्डिंग होता है ए यूनियन ए इक्वल टू सेट ए। ठीक है, अगर हम सेम सेट का यूनियन लेंगे तो वो सेम सेट ही होगा आपका रिजल्टेंट उसका। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दो सेम सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए, तो इसका रिजल्टेंट भी हमारा सेट ए ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला पार्ट पहले प्रूव करेंगे ए यूनियन ए इक्वल टू सेट ए। आप तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आप ये देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि दो सेट है, दोनों को आप ओवरलैप कीजिएगा तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा ये। ठीक है, तो यूनियन भी आपका सेम हो जाएगा और इंटरसेक्शन भी सेम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिकली प्रूव करके। ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, ठीक है, सपोज एक्स जो है सेट ए का एक एलिमेंट है, तो x such that x is an element of set A, ठीक है, अब देखिए यूनियन है तो सेकेंड सेट भी हमारा सेट A है, और x is an element of set A, क्योंकि यूनियन का मतलब ही और होता है। ठीक है, अब देखिए x is an element of set A और x is an element of set A, सेम थिंग है, तो हम दो बार लिखने के बजाय एक बार लिखते हैं x such that x is an element of set A। अब ये क्या है, ये हमारा set A ही है। ठीक है, represent किया हुआ है सिर्फ set के form में, तो ये हो गया हमारा set A। ठीक है, चलिए next हम देखते हैं A intersection A equal to A। ठीक है, इसे भी प्रूव करेंगे हम लेट। चलिए A intersection A ही हमें फाइंड करना है, तो A intersection A equal to, इसमें भी एज्यूम कर लेंगे x एक एलिमेंट है, तो x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ a, सेट a। अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ही होगा एंड, तो आप एंड यहां लिखिए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट आप देखिएगा तो सेम स्टेटमेंट दो बार रिपीटेड है, तो फिर हम एक ही बार लिखेंगे इसे x सच दैट x is an element of set A, ठीक है, और ये हमारा set A का ही representation है set के form में। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ symbol से लिख सकते हैं set A, तो हमारा आगे A intersection A equal to set A। अब अगर example की बात करें तो A union A equal to A, ठीक है, एक example चलिए देख लेते हैं। Suppose हमारा set A है 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम जो थ्योरम है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉज, तो ए यूनियन ए फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, ए यूनियन ए कितना होता है, चलिए अब देखिए दो सेट है हमारे 1, 2, 3, 4, यूनियन 1, 2, 3, 4। देखिए जब भी हम सेट फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिखते हैं तो क्या करते हैं, सेम एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, एक ही बार रहता है, सेम एलिमेंट एक बार आएगा, तो जब यूनियन इसका फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट हमारा सेट ए है, तो ये जो आ गया। अब देखिए दूसरा हम लेते हैं आपका, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ए, तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4। अब देखिए सारे एलिमेंट सेम है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो पूरा सेट ओवरलैप कर रहा है, तो इंटरसेक्शन भी आपका कॉमन एलिमेंट ही होता है, तो 1, 2, 3, 4, और ये हो गया हमारा सेट ए। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया आइडेम्पोटेंट लॉज के बारे में और इसका प्रूफ भी हमने देखा। ओके, थैंक यू।